आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड एसिड क्लासेस। सो एसिड आप लोगों को वैसे तो पता होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ऐसे सिंपल वर्ड्स में कि एसिड क्या होता है। एसिड मतलब वो कोई भी चीज जिसे आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकें। अब जैसे आप कैश में किस किस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, या आपका कोई गैजेट्स वगैरह हो गए, ये जो भी चीजें आप जिन्हें इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो सभी आपकी एसेट्स क्लास में आते हैं। और ये टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकते हैं, मतलब आप इन्हें छू सकते हैं और नहीं भी। जैसे आपकी मतलब इसमें अगर ज्यादा टेक्निकल वे में जाए तो इसमें आपकी कंपनी की गुडविल वगैरह भी आ जाती है, तो गुडविल उसकी जो रेपुटेशन वगैरह होती है वो भी सेल होती है एक्चुअली। उसे हम थोड़ा अपार्ट कर देते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो सबसे आती है एसेट्स जो भी इजिली कैश में कन्वर्ट हो सके। एसेट क्लास क्या होती है? एसेट में अब एसेट क्लासेस आती हैं। एसेट क्लासेस मतलब आपकी कैश, एफडीज, गोल्ड, बॉन्ड्स या इक्विटी, रियल एस्टेट, ये आपके क्या हुए? एसेट क्लास हुए। एसेट क्लास जो होता है ग्रुप होता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट एट द सेम टाइम इनमें अपनी अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। सारे एसेट क्लासेस की एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगी कोई, और उनमें अपनी अपनी एक यूनिकनेस भी होगी। इसके साथ साथ कोई एसेट क्लास दूसरी एसेट क्लास की सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। कैश बॉन्ड का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, मतलब यूनिकनेस का किस तरह से क्या मतलब है। अब जैसे आपने ले लिया एक लैपटॉप और टीवी। लैपटॉप को आप इजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा सकती हैं, टीवी को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते। मतलब कि आप मूव नहीं कर सकते वर्क के लिए, आप एक जगह फिक्स कर देते हैं उसे, टीवी को वहीं डेली देखते हैं। जबकि आप लैपटॉप को अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो अपने साथ ले जाते हैं, या आप एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर बैठ के इजिली अपना उसमें वर्क कर सकते हैं आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से। आप अपनी चेयर पर बैठे बैठे थक गए हैं तो आप उसे अपने बेड पर इजिली आराम से बैठ के अपना वर्क कर सकते हैं लैपटॉप पे। टीवी में आप मूवीज और शोज देख सकते हैं, अपने टीवी शोज अच्छी क्वालिटी में। जबकि आप जो लैपटॉप है उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी में, उतनी अच्छी बड़ी स्क्रीन पे आप उतनी कन्वीनियंसली नहीं देख सकते जितना अच्छा आप टीवी पे देख सकते हैं। आपको नंबर ऑफ चैनल्स मिलते हैं। हाँ, आजकल भले ही ऑनलाइन हो गई है चीजें कि आपके ऑनलाइन सोनी लिव वगैरह चैनल आ गए हैं तो आपको वहां पे मिल जाते हैं, लैपटॉप पे भी लोग देखते हैं, बट आपको जो क्वालिटी टीवी में मिलती है वो आपको लैपटॉप पे नहीं मिलती। आप लैपटॉप पे जल्द से टीवी शोज या अपनी फैमिली के साथ आप कोई मूवी वगैरह नहीं देखते, और वो टीवी पे ही देखते हैं। बहुत कम आप देखते होंगे, अगर कोई बैचलर है बाहर वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक तो ही आप देखते होंगे लैपटॉप वगैरह का। मेनली आपका उस पर ही होता है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इनमें कि आपकी एक साथ देख आप टीवी शोज वगैरह देख सकते हैं दोनों पे, बट इनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक अपनी यूनिकनेस क्या है। आप लैपटॉप को इजिली मूव कर सकते हैं, टीवी का आप एक जगह पे ही प्लेस करके देते हैं, डेली आप उसे मूव नहीं करते, अपने हाथ में लेकर नहीं घूमते हैं, है ना। एक और इसकी अगर हम बात करें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की, तो आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं लैपटॉप पे, बट टीवी पे क्या आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? नहीं, आप टीवी पे प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। कंप्यूटर का वर्क जो होता है वो लैपटॉप पे आप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन एक्सेल वगैरह का जो भी आपका वर्क है वो सारा आप अपना लैपटॉप पे करते हैं, टीवी पे नहीं करते। तो दोनों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दोनों की अपनी यूनिकनेस भी है। सो ऐसे ही हमारी एसेट क्लासेस होती हैं, कैश, बॉन्ड्स, इक्विटी, गोल्ड वगैरह, जितनी भी हमारी एसेट क्लासेस होती है इनमें हमारी अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये टाइप ऑफ एसेट क्लासेस आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, आपके रियल एस्टेट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गई, इक्विटीज हो गई, ये आपकी क्या हुई? एसेट क्लासेस हुई। अब आप ऐसे क्लासेस को चूज करने का एक प्रोसेस रहता है। फर्स्ट आप क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। देन उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास चूज करते हैं, पर्टिकुलरली आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से एसेट क्लासेस चूज करते हैं। सो ये प्रोसेस है एसेट क्लासेस को चूज करने के, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में फिर आप एक जो भी आपके लिए बेस्ट एसेट क्लास है आप उसे चूज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते हैं, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, हम बैनर्स पे देखते हैं, हमारे आए दिन हमारे सामने आते ही रहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह। क्यों आता है, क्या है इसका? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ईजी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, एज एन एडवाइजर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करियर के अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं,
इन्वेस्टर के एज एन छोटे इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बहुत छोटी सी अमाउंट से, तो आज ही इन्वेस्ट कीजिए। बट उससे पहले नॉलेज भी तो चाहिए, नॉलेज कहाँ से लें? उसके लिए हमारा म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि प्रैक्टिकल लेवल का 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है। इसके लिए लिंक पे चेक कीजिए। कैश, कैश आपका जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, जैसे कि बात करें आपके पास बैंक में सेविंग होती है, बैंक सेविंग होती है आपके पास, तो आप उसमें से इजीली कैश कैश निकाल सकते हैं। कैश को आप अपनी इमरजेंसी फंड्स के लिए यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको ये पहले भी प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी, एग्जाम्पल दिया था कि आप कैश को अपने जैसे अगर आप कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है तो इमरजेंसी में आपको फंड चाहिए, आपको कैश चाहिए, तब बैंक से निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से नहीं। तो कैश आपके लिए इसलिए होना जरूरी है आपके पास। कैश के अपने ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स, आप इजिली अवेलेबल है, आपके पास बहुत ही लिक्विड एक लिक्विड एसेट है, और आपके पास जो कैश की पावर है वो उसे आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कभी भी। ये किसके अपनी यूनिकनेस है क्योंकि इजिली लिक्विडेटेड है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में, महंगाई से लड़ने में, बीट करने में हेल्प नहीं करता। ये उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता जितना अदर एसेट क्लासेस आपको रिटर्न दे देते हैं इन्फ्लेशन महंगाई से लड़ने में। तो कैश के आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों मिल गए, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल गई कि ये एक अच्छी इसके एक अपनी पावर है कि इजिली लिक्विडिटी में अवेलेबल होती है। एनी टाइम जब भी आपको चाहिए इजिली आपके पास होगी, पॉकेट में होगी या आपके बैंक में होगी, आपके घर पे होगी, आपके सेफ में, तिजोरी में वो सारा कैश। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन इक्विटीज। इक्विटीज जो होती हैं बहुत ही रिस्की होती हैं, लेकिन जितना आप रिस्क लेते हैं इसमें उतना ही अच्छा आपको रिटर्न भी मिलता है, और जितने लंबे टाइम तक के लिए आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। इक्विटीज आपको यानी कि कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह में इक्विटी शेयर्स आप परचेस कर रहे हैं कंपनी के, एंड ये जो होती है लॉन्ग पीरियड में ही अच्छा वर्क करती है, इजली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करती है। तो ये इक्विटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी यूनिकनेस ये है कि हाई रिस्क में हाई रिटर्न देगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको अच्छे रिटर्न देगा। जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही अपना माइंड मेकअप करके चले, अपने आपको कन्विंस करके चले कि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, मुझे इसे जल्दी विड्रॉ नहीं करना है। आप जिस इक्विटी में इन्वेस्ट करके आपको सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा मिलेगा इसमें आपको, तो इसलिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। फिजिकल एसेट्स और रियल एस्टेट एसेट्स। फिजिकल एसेट्स और रियल एस्टेट एसेट्स में आप मेनली इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह में, तो मेनली हम इसे प्रॉपर्टीज से ही जैसे हो गया, जब प्रॉपर्टीज आपकी कोई भी बिल्डिंग हो गई उसके आप रियल एस्टेट फिजिकल एसेट्स आपकी ये हो गई। इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड आपको लॉन्ग रन में ज्यादातर ये अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। वादा नहीं होता ऐसा, पूरा फिक्स नहीं होता है, या आप कह दें कमिटेड नहीं होता है कि आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको अच्छा इंक्रीजिंग रिटर्न देती है, काफी जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है इसमें। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको इसमें एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं, आपको हर साल इसमें पे कराना है, कोई लाइट खराब हो गई तो अगर गारंटी में है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगेन कोई परचेस करो, पाइपलाइन ब्रेकेज हो गई उसे पूरा रिपेयर करो, पाइपलाइन में ब्रेकेज कितनी बड़ी हुई है उतना ज्यादा खर्चा, तो ये आपके जो है बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस मानते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ही ज्यादा होता है। सेलिंग आपके अगर आप जैसे सेल करना चाह रहे हैं, अगर आपने इमरजेंसी है आपको, तो अगर आप इमरजेंसी में से सेल करना चाह रहे हैं तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है आपने जिस रेट पे खरीदा था उससे भी कम आपको मिलता है रिटर्न। आप इसे अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखें, डे टू डे लाइफ से, अगर आप कोई बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ गया, और अगर आप उसे बेचने जा रहे हैं ना मार्केट में, तो आपको आपके उसके एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर हाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको यह है कि ठीक है मेरे पास प्रॉपर्टी है, जब मुझे बेचनी होगी मैं बेच दूंगा, आराम से बेच दूंगा, मुझे कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है कि मुझे आज ही बेचनी है, तो आपको डेफिनेटली इसके अच्छे आपको रिटर्न मिल जाता है। बट अगर हम कोविड पीरियड की बात करें तो रियल इस्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ था कोविड की वजह से, बहुत ही गिरावट आई थी। आपको अगर
आप लोगों ने गौर किया हो या अपने पेरेंट्स से बात करना, डेफिनेटली आपके हर पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही कम होते हैं। बेनिफिट यह उन लोगों को मिला था, उन इन्वेस्टर्स को मिला था जिनके पास फंड्स कम थे लेकिन वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते अपने यूज के लिए, या वैसे भी इन्वेस्टर जिनके पास पैसा था इतना कि वो उन्हें यह बेनिफिट मिला कि उन्हें लो रेट पे प्रॉपर्टी मिल गई, तो उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर आज वो उसी प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें उसका रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट फिर से लेवल पे आ रही है, काफी अच्छी ग्रो हो रही है उसमें फिर से। हाँ, लेकिन अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो वहां पे उन्हें महंगी पड़ी जिन इन्वेस्टर को, तो उनके लिए खरीदना मुश्किल रहा। तो बेनिफिट यहाँ कहीं ना कहीं किसी को कोविड का प्रॉपर्टी के केस में हुआ है, किसी ना किसी का लॉस है, क्योंकि जिसने बेचा है डेफिनेटली उसने अर्जेंट बेसिस पे बेचा है। मे बी कोविड का पीरियड कई लोगों के लिए मुश्किल भी लेके आया था, तो डेफिनेटली अगर वो सेल कर रहा है इतने कम दाम पे, अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, उसे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो इस टाइम पर अर्जेंट बेसिस वाली प्रॉपर्टीज बहुत कम रेट पे मिली है, तो जो कम इन्वेस्टर मनी वाले थे, मिडिल क्लास फैमिली थे, उन्हें और अपना एक अच्छा अपना हाउस लेने की सोच रहे थे और उनके पास कोविड टाइम में उनके पास फंड्स ठीक थे, उन्हें ज़्यादा वो उससे अफेक्ट नहीं हुए, उनके पास उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, तो उन्होंने एकदम से इन्वेस्ट करने की सोची। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत बिकी हैं जो अर्जेंट बेसिस पे बिकी हैं, प्रॉपर्टी जिन्हें लॉस हो रहा था या बैंकक्रप्ट वगैरह भी बहुत हुई हैं, लोन में आ गए थे कई लोग, काफ़ी बेकार पीरियड था, तो ऐसे में रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो कम दामों पे बिकी। तो गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, डिपेंड करता है कि मार्केट उस टाइम पे कैसी चल रही है, सेकंड आपका अपना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप किस केस में बेच रहे हैं उसे, और मेंटेनेंस कॉस्ट तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन बातों का आपको रियल इस्टेट के केस में ध्यान रखना है। सो आपकी ये हमारी मेजरली हमारी जो एसेट क्लासेस होती है मेनली जिसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी हमारी रहती है कैश, इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, फिजिकल एसेट जिसे हमें कहते हैं, ये इनमें मेनली हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको जो अपनी फिजिकल जो भी आप अपनी एसेट्स ले रहे हैं, एसेट क्लास चूज कर रहे हैं, वो आपकी एक तो आपके गोल पे डिपेंड करती है, आपका गोल क्या था। सेकेंड थिंग इसके डिपेंड करती है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कितने सेफली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं। इस हिसाब से आप अपने एसेट क्लास देखें, हर एसेट क्लास की अपनी एक यूनिकनेस है, हर उसकी एक डिफ्रेंशिएशन है, डिफरेंटली ये मार्केट में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंटली बिहेव भी करती है। सो इस टाइप बात को भी आपको देखना है कि आज अगर आप किसी मान लीजिए प्रॉपर्टी का मैंने आपको एग्जांपल है आज इन्वेस्ट करना है, तो अगर फ्यूचर में वो कैसा डिफरेंटली बिहेव करेगी, मे बी मार्केट कंडीशन जैसे कोविड पीरियड आया तो उसमें डाउन गई, तो वो उसके हिसाब से भी बिहेव करती है, इस चीज पे भी आपका डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। सो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखकर फिर अपने ऐसे क्लास चूज करनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे जो सेफली इन्वेस्टमेंट का एक तरीका माना जाता है वो ये कि कभी भी एक एसेट क्लास चूज ना करें इन्वेस्टमेंट के लिए, आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा पैसा कैश में भी रखें ताकि इमरजेंसी में आप उसे यूज कर सके, अर्जेंट बेसिस पर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आई है, आप थोड़ा सा पैसा अपना बाकी आप अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है, लॉन्ग टर्म आपको गोल है तो इन्वेस्ट करें आप इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न दे देगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कम रेट में मिली और आपको चांसेस है कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कि मुझे इसे इमरजेंसी में इजली बेचना नहीं पड़ेगा, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने गोल के हिसाब से अपने रिस्क एबिलिटी के आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके बेसिस पर आपको अपनी एसेट क्लास देखनी चाहिए, अपनी एसेट क्लास चूज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसेट क्या होती है, एसेट क्लास क्या होती है और एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट में क्या रोल होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।